आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा है और आपके मन में भी सेना की वर्दी पहनने की तमन्ना है तो आपके लिए भारत की सेना सुनहरा मौका है। अब आप सिर्फ 3 साल के लिए सेना में सेवा देकर अपने मन की मुराद पूरी कर सकते हैं। चीन और इसराइल की तरह अब देश के युवाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग देने का सेना ने प्लान तैयार किया है। हालांकि ये ट्रेनिंग सबके लिए अनिवार्य नहीं होगी, अगर आपकी इच्छा है तो आप सेना में सेवा दे सकते हैं। अगर आपका भी जोश हाई है, आप भी सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय तक फौज की नौकरी भी नहीं करना चाहते, तो आपके लिए अपने अरमानों को उड़ान भरने का मौका है। सेना की वर्दी में आप भी इसी तरह अपनी देशभक्ति का जज्बा दिखा सकते हैं। अब सेना एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है जिसके मुताबिक आप सिर्फ 3 साल तक के लिए सेना में तैनात हो सकते हैं। सेना में 3 साल की तैनाती वाले प्लान का नाम है टूर ऑफ ड्यूटी। ये पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। 9 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। एंट्री की प्रक्रिया पहले जैसी रहेगी। प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद ही मौका मिलेगा। जवान और अफसर दोनों पदों के लिए तैनाती होगी। तो अगर आप युवा हैं, फिट हैं, टैलेंटेड हैं और आपके पास डिग्री है तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। 3 साल के लिए सेना में तैनाती से सेना का भी फायदा होगा, सेना का खर्च घटेगा। यही नहीं, सेना में युवाओं की संख्या भी बढ़ेगी। सेना का खर्च कैसे घटेगा इसका हिसाब भी आप समझ लीजिए। 3 साल की सेवा पर सेना को ग्रेच्युटी पेंशन का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर कोई अधिकारी 10 साल बाद सेना छोड़ता है तो उस पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च आता है। इसी तरह 14 साल तक सेना में कोई अधिकारी रहता है तो उस पर करीब 7.25 करोड़ रुपए खर्च आता है। अब सिर्फ 3 साल के लिए अधिकारी की तैनाती पर सिर्फ 80 से 85 लाख रुपए का ही खर्च आएगा। पैसा बचेगा तो उसका इस्तेमाल सेना को और आधुनिक बनाने पर किया जा सकेगा। सेना में अपनी सेवा देने का मौका सिर्फ आम नौजवानों के लिए ही नहीं है। योजना ये भी है कि अर्धसैनिक बलों में तैनात अधिकारी भी 7 साल के डिप्टेशन पर तैनात किए जाएं। 7 साल पूरे होने पर वो वापस अपनी सर्विस में लौट जाएं। युवाओं की 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के पीछे एक वजह ये भी है कि कॉर्पोरेट जगत में भी सेना से रिटायर्ड ज्यादातर उन्हीं लोगों को मौका मिलता है जो युवा है। ऐसे में देश सेवा का जज्बा भी पूरा होगा और आगे की बेहतर जिंदगी की गारंटी भी। और आइए इस खबर के बारे में अब आपको और ज्यादा विस्तार से बताते हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता नीरज राजपूत मौजूद हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल इस वक्त हमारे साथ हैं गुरमीत सिंह साहब और पूर्व उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान भी जुड़ चुके हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत करें लेकिन उससे